सो हे गाइस, अभी यार मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, क्योंकि यार मैं एक चीज बताता हूँ, अभी ना ग्रुप में कोई भी आता है आके मेरे को स्कैमर बोल देता है। और जस्ट इन सब चीजों का कारण क्या है, ये क्रिएटर्स, इनके 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे कि एक बार मैं इसके गिव अवे कस्टम में गलती से चला गया था, किसी टीममेट वगैरह ने बुला लिया था, एंड ये बंदा मुझे स्कैमर बोल के किक कर देता है। तो ये चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भाई 10 से 12,000 लोग इसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, एंड उसके बीच में ये बंदा मुझे स्कैमर बोल के किक कर दिया। अरे काल तेरी, भाग गया सामान का नीचे, पैसा दे मेरा, पहले 50,000 पैसा खा लिया कैसे बंदे ने। तो ज्ञान भाई ने ये एक बार किया था, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर इसने अगेन यही गलती करी। इसने जान गलती नहीं, इसको जानबूझ के बोला जाएगा कि इसने जानबूझ के मुझे फिर से बेइज्जत किया। इसने बिना मतलब के मुझे बोला कि भाई इसने मेरा पैसा स्कैम किया है काल वाईटी ने, ठीक है। और उसके साथ में उस टाइम पे टोंडे गेमर, जो कि एक बहुत ही जाना माना यूट्यूबर है, आयुष भाई साथ में खेल रहे थे, और एक और क्रिएटर था नीरज नाम का, कोई NRZ करके क्रिएटर है, वो भी साथ में खेल रहा था। तो एक स्कोर में हमारे ऊपर ना एक ऐसे एलिगेशन लगाए गए, एंड वहाँ पे इतना गंदा मेरे को दिखाया गया कि भाई इस बंदे ने मेरे 50,000 रुपीस स्कैम किए हैं, ये स्कैमर है, क्रिएटर होके स्कैम कर रहा है। तो ये चीजें देख के भाई सीरियसली बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो अभी इन चीजों के ऊपर भी मैं रिप्लाई वीडियो लेके आने वाला हूँ, एंड फिलहाल मैं आप लोग को मैं बता दूं इतने टाइम से मैं क्यों इन चीजों का रिप्लाई नहीं दे रहा था। देखो यार, हर चीज का एक कारण होता है। मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक मारी गई थी, और मेरे को क्लियरली बोला गया था कि अगर तूने इन चीजों के ऊपर रिप्लाई दिया तो तुझे तेरा चैनल उड़ा दिया जाएगा। ये सब चीजें मुझे क्लियरली बोली गई थी, एंड मैं इन सब के प्रूफ आप लोग को बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ सामने। आप लोग को ये प्रूफ सारे संडे को एक वीडियो अपलोड होने वाली है, उसके अंदर देखने को मिलेंगे। काफी क्रिएटर मेरे को बदतमीजी से मतलब गाली देते हैं, जिनके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उन लोगों को मैंने पर्सनली कॉल करके प्रूफ दिखाए हैं, बट उस सब की चीजों के बाद भी वो लोग मेरे को जानबूझ के ट्रोल करते हैं जस्ट फॉर व्यूज। लेकिन अब ये चीज ज्यादा देर नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर अपने क्लियर जो जो मेरे पास प्रूफ है कि मेरे साथ कैसे धोखे किए गए, कैसे मेरे साथ स्कैम किया गया, ये सब चीजें मैं लेके आने वाला हूँ। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इस चीज को क्लियर करने के लिए भाई मैंने आयुष भाई को पर्सनली मिलकर उनको सारे के सारे प्रूफ्स दिखाए थे, और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई हाँ भाई सीरियसली काल भाई के साथ गलत हुआ है, एंड इनके साथ इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है। भाई तो मैं ये काल भाई से मिला, ठीक है, पहली बार तो भाई पे ना वो स्कैमर वाले वो लगे हुए थे, लगा क्या लगा टैग लगा हुआ, टैग टैग स्कैमर वाला, तो पहले तो मैं भी, एंड जो जो क्रिएटर जैसे कि अपने आप को हम्बल यूट्यूबर बताते हैं, राय स्टार हो गया, ये लोग अपने आप को बहुत ही अच्छा देवता बताते हैं कम्युनिटी का, कि इनकी वजह से कम्युनिटी टिकी हुई है, तो इन लोगों की भी मैं अच्छे से लेने वाला हूँ, बिकॉज इन लोगों ने भाई मजाक बना रखा है। एंड जब ये चीजें गलत करते हैं तो भाई ये लोग उस चीज को अच्छा दिखाते हैं, मतलब छुपा देते हैं अपनी गलतियों को और अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, एंड जब कोई दूसरा करता है देन उसको भाई बहुत ज्यादा ट्रोल होता है। लेकिन फिर भी ये लोग क्लियरली चीजें करते हैं, और आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि आप लोग ये चीजों को नहीं देख पाते हो। मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसको देख के आप लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है, मेरे पास काफी प्रूफ्स भी है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। एंड काफी क्रिएटर है, लाइक ये बोश ऑफिशियल हो गया, और स्काई लॉर्ड का भाई है जो क्या नाम है स्टार उसका अभिषेक, अभिषेक कुछ ऐसा ही नाम का बंदा है भाई, उसने मेरे ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था बिना कोई प्रूफ जाने, बिना कोई जानकारी लिए भाई इन बंदों ने रोस्ट वीडियो बना दिया कि भाई को व्यूज मिल जाए बस। लेकिन गाइस मैं आप लोग को हर एक चीज का प्रूफ दूंगा, जो पैसा मेरे पास में आया मैं उस चीज का भी प्रूफ दूंगा, जो पैसा मेरे हाथ से गया मैं उस चीज का भी प्रूफ दूंगा। अंधेरा वाईटी जिस बंदे के ऊपर ये पूरा का पूरा मुद्दा खड़ा हुआ है कि लोग मुझे आज स्कैमर बोल रहे हैं, मैं जस्ट अपने एक दोस्त की हेल्प करना चाहता था जिसका नाम था अंधेरा वाईटी, एंड उसी ही बंदे ने भाई मेरी पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, एक्स मानिया भाई की कॉल रिकॉर्डिंग्स, जिसके अंदर एक्स मानिया भाई भी इन्वॉल्व है, आप लोग को नहीं पता होगा उनके साथ भी स्कैम हुआ है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो हेलो, हाँ कैसा एक्स मानिया? मस्त, कौन बात कर रहा है? रजत। रजत बोल। हाँ मैं वही चीज तेरे से एक बार कंफर्म कर रहा था, जो कि अंधेरा के साथ रहता था बंदा फेमस नाम का, यही था ना? हाँ। यार मेरे को ना ये अच्छा नहीं लग रहा कि भाई लोग मेरे को बोल रहे कि तूने स्कैम करा ज्ञान का, पैसा 50,000 खाया, और ज्ञान भी मेरे कैसा बोला था। जाने मन गेमर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को सुनने को मिलने वाली है, सबकी सबकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को सामने दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे मेरे साथ में गलत किया गया। ऑनलाइन फ्रेंडशिप एक बहुत बुरी चीज है, जिसने भाई मेरी वाट लगा दी, बहुत गंदा मेरा लॉस करवाया, मेरा बहुत एक अच्छी खासी मेरी डील की वाट लगा दी जिसमें मैं करोड़ों रुपए छाप सकता था, बहुत गंदा मेरे साथ में स्कैम हुआ है। उन सब चीजों के बावजूद लोगों ने मेरे को ट्रोल किया, गालियां दी, उन चीजों को भी भाई मैं पी गया, कैसे पिया बस मुझे पता है, लोग मुझे मुंह पे स्कैमर बोल रहे, जिस गलती को भाई मैंने किया ही नहीं उस गलती की मुझे सजा मिल रही है, एंड आपके हम्बल यूट्यूबर श्री
मैं गलत नहीं बोलना चाहता भाई इस बंदे से, भाई इस बंदे की तो मैं अच्छे से लेने वाला हूँ। इस बंदे ने जितना बोला है, बॉस ऑफिसियल ने जितना बोला है, बदला सबका लिया जाएगा, सबके सबके प्रूफ्स दिखाए जाएंगे कि इन लोगों के कितने काले चिट्ठे हैं और ये कितने दूध के धुले हैं, कितने हम्बल यूट्यूबर है। यूट्यूब पे कोई अगर लड़ाई ना करे तो लोग उसको हम्बल समझने लग जाते हैं। और जिस ज्ञान भाई को आप लोग हम्बल यूट्यूबर कह के बोल रहे हो, वो बंदा आप लोग के साथ करोड़ों का स्कैम कर रहा है। एंड सीरियसली स्टिल आप लोग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। या जिन लोगों को पता है वो लोग भी इस चीज़ के ऊपर बोलना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज एक बड़ा क्रिएटर है, कम्युनिटी में उसकी अच्छी खासी पहुंच है, वो वाट लगा सकता है किसी की भी उसकी। लेकिन भाई अपने को किसी चीज़ का डर नहीं है भाई। जब मेरे को डर था मेरे चैनल उड़ने का, मेरे चैनल के ऊपर 12 स्ट्राइकें अप्लाई थी, जिनमें से एक एक चैनल मेरे मेन चैनल्स पे, आई एम काल जो कि मेरा सेकंड चैनल है, अनकाल YT, इनके ऊपर अप्लाई हो चुकी थी। एंड उससे पहले ऑलरेडी मेरे को एक स्ट्राइक बिट्टू YT ने दे रखी थी, जो कि मेरी ओल्ड स्ट्राइक कंटिन्यूसली चल रही थी। 2 स्ट्राइक मेरे काल YT चैनल पे हो चुकी थी, 1 स्ट्राइक आई एम काल पे हो चुकी थी, जिनके बाद मेरे व्यूज भी डाउन हो गए। मेरे मिलियंस में व्यूज आया करते थे, स्ट्राइक के बाद मेरे व्यूज बहुत गंदे तरीके से डाउन हुए। एंड सीरियसली इतनी स्ट्राइकें लगने के बाद कोई लगता है कि आपको कि किसी के अपोजिट में बोल पाएगा? भाई मैंने अपने चैनल को खड़ा करने में कम से कम 5 साल मेहनत करी है, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला है। ज्ञान गेमिंग आप लोग समझते हो कि ओल्ड यूट्यूबर है, भाई मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, या भाई मैंने इन लोगों से ज़्यादा घाट के पानी पी रखे हैं। मैंने पता है कि कैसे मैंने चैनल्स को खड़ा किया है। उन चैनल्स को खड़ा करने के लिए भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, दिन रात जगा हूँ। और उस चैनल को अगर कोई उड़ा दे, सपोज एक बंदा मेरे साथ, मैंने मेरे दोस्त ने मेरे साथ में धोखा करा, उस बंदे ने मेरे साथ में रहा, अंधेरा ने रह के मेरा डाटा चोरी करा, डाटा को पहले अपलोड किया, अपलोड करने के बाद उसने मेरे ऊपर स्ट्राइकें मारी, उन स्ट्राइकों के प्रूफ्स, ज्ञान गेमिंग के प्रूफ्स, बॉस ऑफिशियल की बकवास, इन सब चीज़ों का रिप्लाई, स्काईलॉर्ड के भाई की बकवास, हर एक बंदे का रिप्लाई मिलेगा। सिर्फ संडे की एक वीडियो का वेट करो। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को इस चीज़ का गुस्सा है, एंड मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ का एक रिप्लाई देना चाहता था, बट मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। हम इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास ना ये प्रूफ्स, ज्ञान के एक्सीडेंट के टाइम पे मेरे पास सारे प्रूफ्स अवेलेबल थे, और मैं उस टाइम पे वीडियो बनाने वाला था। ज्ञान की एक्सीडेंट के बाद उसका भाई एक टांग कट गई थी, जिसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि भाई हम लोग नहीं चाहते थे कि इसको कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन भाई अभी वो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं, एंड आज भाई मैं अपनी पूरी भड़ास संडे की वीडियो में निकालूंगा। सारे के सारे बंदे रेडी रहना, एंड भाई प्रूफ्स के साथ बात करूंगा, बकवास नहीं है। कोई ना कोई गाली देंगे, ना कोई कुछ करेंगे, ठीक है? सिंपल, जो जितना है उसको उतना दिखाया जाएगा। कम्युनिटी को कौन लोग आप लोग का वाट लगा रहा है बोल बोल के कि फ्री फायर से आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा, आप लोग बहुत कुछ बन जाएंगे। भाई गेम है, स्टिल गेम को एक गेम की तरह लो। ये लोग आप लोग की तरह पॉलिटिक्स खेल, आप लोग के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स कैसे? ये भाई अपने दोस्तों को गोरो करके अपने बीच में लाइक ऐसा कि आप लोग के लिए ई स्पोर्ट आएगा, ई स्पोर्ट ये फलाना ढिमका। भाई एक चीज़ बताना, 8-8 साल से गेम खेल रहे हैं यूट्यूबर्स के अलावा किसी भी बंदे ने कोई अच्छा पैसा कमाया ढंग से? सिर्फ 2-4 बंदे, उनसे अलावा कुछ नहीं। तो भाई गेम को गेम की तरह लो, कंटेंट को कंटेंट की तरह लो। इन लोग के बहकावे में आके, चीज़ों में आके फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, एंड गेम को सिर्फ गेम की तरह लो, ठीक है? मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एंड बस संडे का वेट करो, सबका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एंड स्टिल आपका काल भाई नहीं, एंड अभी आपका काल भाई बहुत खतरनाक वाला वीडियो लेके आने वाला है। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मिलते हैं संडे को, लव यू ऑल, बाय बाय एंड बाय। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं कवर कर लेना भाई, जैसे आप लोग मेरे ऊपर बनी बैड न्यूज़ को कवर करते हो, अच्छी न्यूज़ को भी कवर कर लेना। एंड जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर हो, इस वीडियो के ऊपर शॉर्ट्स बनने चाहिए, इस भड़वे ज्ञान गेमिंग के ऊपर भी शॉर्ट्स बनने चाहिए। इसकी आप लोग को काले सच्चाई दिखाऊंगा ना मैं, तो आप लोग खुद गाली दोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग गाली दोगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आप लोग को ज्ञान गेमिंग की दिखाने वाला हूँ। वायरल करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भाई मेरे ऊपर लगे इन झूठे एलिगेशनों का और मेरे ऊपर हुए इस धोखे का मैं आप लोग को एक सच्चाई दिखा सकूँ। सो बी रेडी एंड लव यू ऑल। मेरी किसी से कोई हेट नहीं है, बस मेरी ये जंग है अपने आप को सच्चा दिखाने की। जो मैं गलत था नहीं, मेरे को गलत बनाया गया, मेरे को गलत दिखाया गया, मेरे को 50,000 का स्कैमर बताया गया। लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि काल भाई आप ज्ञान भाई को 50,000 रुपये दे दो, आपका क्या चला जाएगा? भाई अगर मैंने ज्ञान भाई को 50,000 दे दिया ना, तो भाई लोग मुझे ही स्कैमर समझेंगे। वो मुझे समझेंगे, चाहे मैंने ना भी किए हों, पर वो मुझे समझेंगे कि भाई इसने दिया है तो इसने पक्का किया होगा। तो अगर ज्ञान भाई, एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर भाई मैंने उसके तरफ से मेरे पे पैसा आया है, तो भाई मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा। वो मुझे एक प्रूफ दे दे कि भाई काल भाई तेरे ऊपर पैसा गया था, तेरे अकाउंट में गया था, तेरे इसमें गया था। मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा 50,000 की जगह, ठीक है? तो भाई बाकी तो अभी संडे को बात होगी। एंड लव यू, बाय बाय, खुश रहो।